Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dosto. My name is MUZAMAL Fiaz and you see my YouTube channel MQF Medina Vlog. दोस्तों आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है फर्स्ट रमज़ान जो है शुरू हो गया है। माशाल्लाह सबसे पहले आप सब लोगों को जो है मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम की मुबारक हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों का रमज़ान करीम जो है बहुत अच्छा गुजारे और आप लोगों के जो रोज़े रखने हैं कबूल करें। दोस्तों अभी जो है हम लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में, वहाँ पर जाकर तरावी पढ़ेंगे और आप लोगों के साथ भी जो है शेयर करेंगे आज का फर्स्ट जो है व्लॉग मैं रमज़ान का इंशाल्लाह। और मेरे साथ जो है मोहम्मद खलील है। अभी जा रहे हैं हम लोग हरम शरीफ माशाल्लाह और काफ़ी रश है, ये देखें रश काफ़ी है, काफ़ी खूबसूरत माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। दोस्तों यहाँ पर जो है रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह काफ़ी ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं, काफ़ी खूबसूरत माहौल बना होता है और हर कोई जो है जा रहा होता है माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए हरम शरीफ में। फ़र्स्ट तरावी है तो आज मैं भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह और इंशाल्लाह रोज़ाना की जो है तरावी पढ़ेंगे। आज से नियत कर लें कि हम लोगों ने जो है सारे रोज़े रखने हैं इंशाल्लाह, कोई भी रोज़ा नहीं छोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप लोगों के जो करीब दोस्त यार दोस्त हों या फिर जो भी हों रिश्तेदार हों गरीब हों तो उनकी मदद करें ताकि वो भी रोज़ा रख सकें। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है पहुंच गए हैं जी हरम शरीफ के पास। माशाल्लाह देखें काफ़ी रश गाड़ियों का और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी जा रहे हैं हम लोग भी जो है इंशाल्लाह मस्जिद नबी शरीफ में, आप लोगों को जो है जाकर माहौल दिखाते हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर का। हर बंदा जा रहा है माशाल्लाह और यहाँ पर जो है मेट्रो बस जो है वो रमज़ान शरीफ में जो है सहूलत दी जाती है मेट्रो बस की, ताकि जो है लोग दूर दूर से जो भी आते हैं अपने इलाकों से, रश ज़्यादा होता है गाड़ी पे नहीं आ सकते तो वो मेट्रो बस पे आ जाते हैं। 5 रियाल टिकट होती है मेट्रो बस की। दोस्तों अजान की आवाज़ जो है कम की हुई है। अभी जो है मैं मस्जिद नबी शरीफ से थोड़ा सा दूर हूँ। माशाल्लाह दोस्तों रश देखिए, काफ़ी काफ़ी रश है माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों अभी जो है हरम शरीफ के अंदर आ गए हैं। आप लोग रश देखिए माशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी यहाँ पर लेकर आए, जो मदीना शरीफ में रहते हैं उनको भी मेरी तरफ़ से मुबारक हो गई, जो पाकिस्तान में रहते हैं किसी भी मुल्क में रहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो उन सबको जो है मेरी तरफ़ से सबको मुबारक हो गई कि अल्लाह ताला आप सब लोगों का रमज़ान करीम जो है अच्छा गुजारे और आप लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला दूर करे। जी दोस्तों माशाल्लाह लोग जो है ऊपर जा रहे हैं, ये देखें रश जो है काफ़ी लगा हुआ है। यहाँ से देखें ये ऊपर जाता है लाइब्रेरी की साइड पे रास्ता, तो यहाँ पर अभी जो है काफ़ी लाइन यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये देखें। ये देखें दोस्तों अभी जो है हम लोग भी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का रास्ता है ये। الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है फ़र्स्ट तरावी हम लोगों ने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में। और अभी जो है मैं यहाँ पर अपनी फेवरेट जगह सबसे फेवरेट जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से जो है रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नज़र आता है। तो अभी जो है मैं उस जगह पर खड़ा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ माहौल इंशाल्लाह यहाँ का। तो जी दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह आप लोगों को जो है ये सबसे गुंबद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर काफ़ी रश है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी यहाँ पर लेकर आए और मदीना शरीफ की जो है ज़ियारत कराए। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को इस प्यारे महीने के सदके आप सब लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं, आपकी हमारी जो भी परेशानियाँ, अल्लाह ताला दूर करे। और जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें जो है औलाद दे। और जो लोग किसी भी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी जो भी मुश्किल है अल्लाह ताला दूर करे। अल्लाह ताला उन लोगों को जो अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह ताला सबको जो है शफा दे। आज जो है फर्स्ट रमज़ान जो है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो है मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के माँ बाप को और मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जो है उनके माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता दे। तो जी दोस्तों आज की वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे से। और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह, और अल्लाह हाफिज़।